दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत का नाम शुमार है, लेकिन बिहार का एक गांव जहां पंचायती फरमान इसी लोकतंत्र की मजाक उड़ा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला में पंचायत ने लड़कियों को जीन्स पहनने और मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया गया है। मामला अंधरा ठाड़ी प्रखंड में मदना पंचायत का है। पंचायत में बाकायदा एंटी रोमियो दस्ता बनाया गया है। दस्ते ने लड़कियों को मोबाइल रखने और जीन्स टी शर्ट जैसे कपड़े पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एंटी रोमियो दस्ते के सदस्यों का मानना है कि गांव समाज में आधुनिकता के नाम पर उदंड लोग अपना पैर फैला रहे हैं, जिसमें लड़कियों के पास मौजूद मोबाइल फोन लड़कियों को बिगाड़ रहा है। पंचायत के तुगल की फरमान सुनाए जाने से छात्राएं काफी आहत हैं और लड़कियां इसे अपने अधिकार का हनन बता रही हैं। वैसे व्यक्तिगत आजादी छीनने का हक किसी भी पंचायत को नहीं होता, ये बात पंचायत सदस्यों को समझनी चाहिए, क्योंकि सोच बदलने से ही समाज बदलता है। लड़कियों के जींस पहनने या मोबाइल रखने से आपकी सोच अगर प्रभावित होती है तो आप अपनी सोच बदलें। जींस और मोबाइल पर पाबंदी लगाकर आप अपनी सोच नहीं बदल सकते। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत का नाम शुमार है, लेकिन बिहार का एक गांव जहां पंचायती फरमान इसी लोकतंत्र की मजाक उड़ा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला में पंचायत ने लड़कियों को जीन्स पहनने और मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगाने का तुगलकी फरमान सुनाया गया है। मामला अंधरा ठाड़ी प्रखंड में मदना पंचायत का है। पंचायत में बाकायदा एंटी रोमियो दस्ता बनाया गया है। दस्ते ने लड़कियों को मोबाइल रखने और जीन्स टी शर्ट जैसे कपड़े पहनने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एंटी रोमियो दस्ते के सदस्यों का मानना है कि गांव समाज में आधुनिकता के नाम पर उदंड लोग अपना पैर फैला रहे हैं, जिसमें लड़कियों के पास मौजूद मोबाइल फोन लड़कियों को बिगाड़ रहा है। पंचायत के तुगल की फरमान सुनाए जाने से छात्राएं काफी आहत हैं और लड़कियां इसे अपने अधिकार का हनन बता रही हैं। वैसे व्यक्तिगत आजादी छीनने का हक किसी भी पंचायत को नहीं होता, ये बात पंचायत सदस्यों को समझनी चाहिए, क्योंकि सोच बदलने से ही समाज बदलता है। लड़कियों के जींस पहनने या मोबाइल रखने से आपकी सोच अगर प्रभावित होती है तो आप अपनी सोच बदलें। जींस और मोबाइल पर पाबंदी लगाकर आप अपनी सोच नहीं बदल सकते। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।